फ्रेंड्स हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, चाहे डिनर्स हो, गेट टुगेदर्स हो, फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं या कोई हॉलीडे पे जा रहे हैं, तो उस टाइम पे अपना डाइट कैसे मैनेज करना है, आज इसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर हमारा डाइट उस टाइम पे मैनेज नहीं हो पाता है, कुछ चीज़ों का हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो आप देखते हो अननेसेसरली वेट पाइल अप होने लगता है और फिर हम बाद में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सो आज उसी के बारे में बात करेंगे, कैसे उस टाइम पे वेट हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं बाय फॉलोइंग सर्टेन ईजी बीजी टिप्स। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि कहीं आप बाहर जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल डिनर पर जा रहे हैं, आई नो वी आर वेरी एक्साइटेड, हमें लगता है कि अब तो मैं लाइट मील लूँगा, क्योंकि हम में से कई सारे लोग बहुत ज़्यादा ये भी कोशिश करते हैं कि लंच आज स्किप ही कर दो क्योंकि आज डिनर बाहर खाने जाना है, या सपोज़ किसी फ्रेंड की शादी है वहाँ पर जाएंगे तो इन्जॉय करेंगे, वास्ट बूफे स्प्रेड होगा, सो हम बड़े ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, विच इज़ रियली गुड। बट क्या करते हैं हम उस जगह उस चक्कर में कि हम बहुत लाइट मील्स खाते हैं एंड बाय द टाइम वी आर ओवर देयर आर स्टमक इज़ ग्रोनिंग विद हंगर। हमें इतनी ज़्यादा भूख लग रही होती है डेस्परेटली कि हमें लगता है कि कुछ भी खा लो जो भी सामने आया। सो अगर आप ये चाहते हो कि ये चीज़ अवॉइड हो जाए तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। यू हैव टू लाइन योर स्टमक विद समथिंग विच इज़ फुलफिलिंग इनाफ, राइट? कुछ सब्सटैंशियली कुछ फुलफिलिंग हो, राइट? उस तरह का मील अगर आप खा के जाते हो सो यू विल सी यू विल बी वेरी वॉचफुल एंड माइंडफुल ऑफ वॉट यू आर ईटिंग एंड हाउ मच यू आर ईटिंग। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू सर्टेन टिप्स व्हाट आई एडवाइस टू माई क्लाइंट्स या मैं खुद भी अपने से ये करती हूँ कि डिनर पे कहीं बाहर जाना है, सपोज आज किसी का बर्थडे है और मुझे जाना है वहाँ पर, सो व्हाट आई डू इज़ कि मैं शाम को ना जैसे हम कर्ड बनाया उसके अंदर वेजीज ग्रेट करके डाल दिया, जैसे मैंने कैरेट्स डाल दिया, कैबेज डाल दिया, थोड़ा सा कैप्सिकम चॉप करके डाल दिया, उसके अंदर थोड़ा सॉल्ट पेपर डाला, दैट इज़ अ फुलफिलिंग मील। बट इतना ज़्यादा हैवी मील भी नहीं हुआ कि मुझसे वहाँ जाके कुछ खाया ही नहीं जाएगा, बट एटलीस्ट आई हैव लाइंड माई स्टमक विद समथिंग सब्सटैंशियली फुलफिलिंग इनफ, राइट? सो ऑटोमेटिकली आपको वो न्यूट्रिशन भी मिल गया, आपको वो इतने ज़्यादा हंगर पैंग्स भी नहीं होंगे जब आप वहाँ पर जाओगे, जिस भी जगह पे जा रहे हो, आप बर्थडे पार्टी पे जा रहे हो, डिनर पे जा रहे हो, कोई भी ओकेजन पे जा रहे हो, सो यू विल बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग। देन जो लोग एग्स खाते हैं, बॉयल्ड एग्स आप खा सकते हैं, मेरी रेसिपी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत अमेजिंग रेसिपी है मखाना भेल। सिंपल है मखाना, उसको रोस्ट करके तो खाते ही हैं, बट इस तरह से हम मखाना भेल की फॉर्म में खाते हैं, सो दैट इज़ वेरी वेरी एपेटाइजिंग एंड फुलफिलिंग। तो इस तरह के ऑप्शंस आप अगर करते हो सो ट्रस्ट मी आप देखोगे कि वहाँ जाके आप ओवर ईटिंग नहीं करते हो और बड़े ध्यान से आप वाइजली चूज़ करके ऑप्शन सेलेक्ट करने वाले हो, सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन टिप मेरा ये है। सेकेंडली क्या होता है, हमें लगता है कि आज मुझे जाना है तो हम ना सपोज डेली लंच पे जाना है मुझे या डिनर पे जाना है या दोनों ही जगह पे बाहर होंगे, या शॉपिंग के लिए जाना है, लंच डिनर दोनों ही बाहर हो जाएगा एंड आई एम नॉट गोइंग टू कैरी एनीथिंग, तो हम क्या सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट आज स्किप कर देते हैं कि बाहर खाना है, कुछ एक्जॉटिक सा इंटरेस्टिंग सा खाएंगे तो उसके लिए जगह बचा के रखनी है तो अवॉइड कर लेते हैं, और हमें लगता है कि वो कैलरीज भी हम स्किप करेंगे तो वहाँ पे कंपनसेट हो जाएगा, सो दैट विल मेक रूम फॉर हैविंग दोज मील्स कि मुझे लंच या डिनर बाहर करना है या दोनों ही चीज़ें बाहर करनी है। बट यू शुड नेवर डू इट, ट्रस्ट मी, यू शुड नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट, दैट इज़ माई सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। बिकॉज अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं सो क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, ऑलरेडी हमने डिनर के बाद से नहीं खाया, इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स दैट यू हैव बीन फास्टिंग, तो ब्रेकफास्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यू हैव टू ब्रेक दैट फास्ट, अदरवाइज जो आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना होता है वो और ज़्यादा एसिड रिफ्लक्स की फॉर्म में आने लग जाता है और आपको फिर हेडेक होगा, माइग्रेन होगा, या फिर आपको एकदम लगेगा कि खट्टे दकार आ रहे हैं, बर्ब्स आते हैं, हम लोग कंप्लेन करते हैं, या फिर डिजीनेस होगा, ब्रेन फॉग होगा, आपको हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू अवॉइड ऑल दीज क्लम्सी सिचुएशंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डोंट स्किप योर ब्रेकफास्ट, क्योंकि इससे आप कैलरी स्किप नहीं कर रहे हो बट यू आर स्किपिंग ऑन द नरिशमेंट। आपका आप देखोगे जब आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो डाउन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप इसके बाद जो भी खाने वाले हो बहुत टाइम बाद तो आप देखोगे कि प्रॉपर डाइजेशन एसिमिलेशन नहीं होने वाला है, सो इट्स गोइंग टू टेक यू लॉन्गर टू डाइजेस्ट दैट मील वट एवर यू गोइंग टू टेक हैंस फोर्थ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, और आप देखते हो अगर आपका डाइजेशन स्लो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका कैलरी इनटेक भी बढ़ जाएगा बिकॉज यू विल बी हंग्री बाय देन। जब तक आप नेक्स्ट मील खाने वाले हो तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा खाते हो, इंस्टेड ऑफ ईटिंग लेस यू विल बी प्रोन टू ईटिंग मोर एंड यू विल चूज द रॉन्ग फूड ऑप्शंस। तो गिवन दैट सिनेरियो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड नेवर स्किप योर ब्रेकफास्ट, अपना मील लेके जाना है। लाइक आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट पॉइंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लाइन योर स्टमक विद समथिंग फुलफिलिंग, बिकॉज अगर आप वो कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली यू विल बी वॉचफुल ऑफ व्हाट यू आर ईटिंग नेक्स्ट व्हाइल यू आर गोइंग आउट। देन थर्डली बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप बाहर जा रहे हो खा रहे हो, आई नो बहुत मन करता है
बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें होती हैं। सपोज आप बुफे में जा रहे हो या अला कार्ट भी ऑर्डर किया है आपने, खुद से जा रहे हो रेस्टोरेंट पे डिनर के लिए, डेट मूवी के बाद जा रहे थे या कुछ भी, तो अगेन लॉकडाउन ने हमें सिखाया है कि हम ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा भी हैव बीन रिफ्रेन फ्रॉम ईटिंग आउट, राइट। या हम किसी के घर जा रहे हैं तो लोग भी इतने ज़्यादा वो हो रहे हैं ना, आप डिप्राइव्ड हो रहे हो कि समवन इज़ कमिंग टू माई हाउस एंड आई एम सर्विंग, तो वो इलाबोरेट चीज़ें आपके लिए बनाते हैं, रखते हैं, आपको सर्व करते हैं बिकॉज दैट्स देयर लव फॉर यू। सो लेकिन वो तो ये चीज़ कर रहे हैं, बट यू हैव टू लव योर सेल्फ मोर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो वहाँ पे खाना खा रहे हो जल्दी जल्दी में मत खाओ। लाइक आई सेड, लगता है कि बहुत फैसिनेटिंग है, बहुत मन कर रहा है, आई टोटली अंडरस्टैंड, बट उसको स्लोली आप च्यू करोगे सो ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि आपके ब्रेन को भी सिग्नल जाएगा दैट यू ईटिंग समथिंग, और आपको वो सिग्नल मिलेगा, लेप्टिन हार्मोन रिलीज होगा जो आपको सेटाइटी सिग्नल देता है दैट येस आई एम फुल, नाउ आई हैव टू टर्मिनेट द एक्ट ऑफ ईटिंग, अब मुझे रोक देना है खाना खाना। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो हॉर्मोन्स हमारे प्रॉपर टाइम पर सिक्रीट हों वो हम चाहते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी ईट वेरी स्लोली। सेकेंडली आप प्रॉपरली स्लोली च्यू करके खाते हो तो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं आपके सलाइवा के साथ मिक्स होके वो भी तभी ही सिक्रीट हो पाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका माउथ से ही डाइजेशन स्टार्ट होता है। सो अगेन यू डोंट हैव टू टैक्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम, आप बाहर जा रहे हो इंजॉय करने, छुट्टी के लिए जा रहे हो, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड नहीं डालना, उसको भी थोड़ा आराम दो, छुट्टी करने दो, उसको भी इंजॉय करने दो, उसके ऊपर हम क्यों इतना बर्डन डाल देते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू ईट एंड च्यू वेरी वेरी स्लोली, और उसके बाद आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली आपका एपिटाइट इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आप बहुत कुछ खा लो या बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर जाओ। देन अब आपने बाहर का खा लिया, सपोजली आप गए थे एक दिन दो दिन हॉलीडे पे गए थे, ये एक डिनर ही आप बाहर का करके आए, आपने खा लिया, अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करना है। हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम स्किप ही कर देते हैं मील ऑल टुगेदर, बट ये नहीं करना। लाइक आई सेड, जिस दिन आप बाहर जाने वाले उस दिन भी आपने ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना, नेक्स्ट डे भी द डे आफ्टर यू डोंट हैव टू स्किप योर मील, तब भी आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, बिकॉज अगेन तब भी आप देखोगे आपका मेटाबॉलिज्म और स्लो डाउन हो जाएगा, और जो आपने बाहर का मील खाया या मील्स खाए जो आप अगर सपोजिडली फॉर एग्जाम्पल दो दिन आप बाहर चले गए हो हाइपोथेटिकली, तो फिर वो भी आपको प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाएगा बिकॉज योर मेटाबॉलिज्म विल स्लो डाउन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप ब्रेकफास्ट अपना करिए नेक्स्ट डे, बट सपोजिडली आपका लेट नाइट डिनर हो गया था, आप वैसे खाते हो 8:30 के अराउंड, बट आपका 10-11 लेट हो गया, यू सपोजिडली यू वेंट फॉर अ डिनर और यू वेंट फॉर वेडिंग या कोई बर्थडे पार्टी पे गए थे, तो वो लेट हो गया है। सो अब क्या करना है, नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट आप थोड़ा सा टाइमिंग डिले कर दो। सपोज यू आर अ पर्सन हु हैज योर ब्रेकफास्ट अराउंड 9, तो उसको थोड़ा 10, 10:30, 11 तक कर सकते हो थोड़ा सा डिले, ताकि वो जो लास्ट नाइट की मील है वो आपकी प्रॉपर डाइजेशन हो जाए। बट आई वुड नेवर सजेस्ट कि आप अपना ब्रेकफास्ट करिए मत या सॉल्ट फ्री कुछ कर लीजिए, नथिंग लाइक दैट। इफ यू फील लाइक ईटिंग कि सिर्फ फ्रूट्स खा के मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना, गो फॉर इट, वेल डन। बट आपको अपने आप को अननेसेसरीली उस तरह से बर्डन नहीं करना सेइंग कि अरे नहीं ये तो ज़्यादा हो जाएगा, सो जस्ट टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम दैट कि नहीं मुझे नहीं खाना, आउट ऑफ दैट स्केयर, आउट ऑफ दैट फियर ऑफ फूड, वो आपको मील स्किप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट अदरवाइज इफ़ यू वॉन्ट टू ईट समथिंग एज लाइट एज फ्रूट्स, गो फॉर इट। बट उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि आपको हंगर पैंग्स हो रहे हो और फिर आपने कुछ गलती उठा के खा लिया, कुछ अनहेल्दी खा लिया, फिर यू हैड अ बैग ऑफ वेफर्स, वो सब चीज़ें नहीं करनी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना मील तो थोड़ा ब्रेकफास्ट का नेक्स्ट डे का वो थोड़ा सा डिले कर दीजिए, ताकि आपने कुछ हैवी मील खा लिया, द फूड विच इज़ रिच एंड ग्रेवीज या कुछ भी इस तरह का खाना है, जो आपने कुछ भी खाया है जो जैसे सपोज शाही पनीर, दाल मखनी, अब आपने गुलाब जामुन खा लिया, कुछ इस तरह की चीज़ें खा भी ली हैं, सो अगेन योर डाइजेशन कैन हैपन स्लोली एट इट्स ओन पेस। उसको और ज़्यादा हम डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवर टैक्स नहीं करने, बट लाइक आई सेड बी वॉचफुल ऑफ वॉट यू आर ईटिंग। ये चीज़ें तब होंगी नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा खा लिया या बहुत ज़्यादा गलत खा लिया, जब हम पहले जो मैंने कोर्स आपके पास 7 पॉइंट्स डिस्कस करे हैं उन चीज़ों का अगर आप ध्यान रख रहे हो। देन हम बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, किसी के साथ भी जा रहे हैं, या अपनी सिर्फ फैमिली के साथ ही जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, डिनर के लिए भी जा रहे हैं, डोंट लेट एनी बडी फोर्स फीड यू। आपको क्योंकि कोई बोल रहा है कि आप ये खाइए, आप किसी घर गए हो, इट्स बिकॉज देयर इट्स देयर हॉस्पिटैलिटी दैट दे आर आस्किंग यू, दे आर सर्विंग यू, डजेंट मीन कि आपको कुछ भी खाते रहना है, कितना भी खाते रहना है, जस्ट टू प्लीज दैट पर्सन, राइट। देर आर मेनी वेज टू से नो, आपको रूड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ब्लंट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बट आई बिलीव आप अपना कोई, अगर इफ़ यू आर वॉचिंग योर हेल्थ, आप कोई वेट लॉस प्रोग्राम पे हो या इन जनरल भी यू आर वॉचफुल ऑफ वॉट यू ईट, फॉर एग्जाम्पल आई टेक माई एग्जाम्पल, इफ आई गो टू माई फ्रेंड्स प्लेस, इफ आई गो टू माई रिलेटिव प्लेस, दे वुड नो आई विल नेवर हैव अ बर्गर और अ पिज्ज़ा,
राइट, वो मुझे ऑफर करेंगे भी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू डिमॉन्स्ट्रेट योर गोल्स टू एवरी वन कि हाँ ये मेरे हेल्थ गोल्स हैं. यू नो यू शुड नॉट फील शाई अबाउट इट कि मैं एंडोर्स करने में शाई फील कर रहा हूँ कि अच्छा मैं कोई वेट लॉस प्रोग्राम पर हूँ या आई एम वॉचिंग माई हेल्थ, आई वॉन्ट टू लूज अ फ्यू किलोज. तो इसमें आपको बिल्कुल भी हेजिटेट या शाई फील करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ट्रस्ट मी इट्स साइंटिफिकली प्रूवन इफ़ यू डिमॉन्स्ट्रेट ऑल दीज थिंग्स इन द यूनिवर्स दीज थिंग्स कम बैक टू यू. आप उतना ज़्यादा आप फील करते हो कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आंसरेबल टू समवन. फॉर एग्जाम्पल आई टेक वन एग्जाम्पल, पीपल ज्वाइन माई प्रोग्राम राइट, तो आपको वो एक सेंस ऑफ आंसरेबिलिटी लगता है कि मैं अकाउंटेबल हूँ फॉर माई हेल्थ एंड समवन इज देयर टू क्वेश्चन मी कि आपने ये किया तो ये किस वजह से हुआ, क्या हुआ, आपके रिजल्ट क्या आ रहे हैं. सो वो आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करती है. एंड जस्ट इमेजिन दिस इज जस्ट टॉकिंग अबाउट वन पर्सन कि मुझे आपने बताया. नाउ इफ योर नियर एंड डियर वंस, योर क्लोज फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर कलीग्स, एवरीबडी नोज अबाउट योर हेल्थ गोल्स कि आप ये कर रहे हैं करेंटली, सो दे ऑल विल बी सपोर्टिव विद यू राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जस्ट बिकॉज द अदर पर्सन यू वॉन्ट टू प्लीज द अदर पर्सन या उनके फन के लिए तो हम नहीं खाएंगे ना. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू मेक दीज थिंग्स वेरी वेरी क्लियर right in the best possible way you can. You don't have to be rude, you don't have to be blunt, and trust me the people will be supportive of you, rather they will acknowledge your food choices aur wo bhi usi tarah ka khana aapko serve karenge, wo khud bhi khayenge. Trust me they'll try mending their own ways ki haan nahi nahi hum kuch deep frying dete hain, hum isko kuch twist karte hain, maine isko shallow fry kiya hai. I have seen this experiencing myself ki log aisa change karna shuru kar dete, they start mending their ways. और वो भी खाते हैं कि आप आए हो तो अच्छा हम आपको हेल्दी सर्व कर रहे हैं, हमने ये इसमें ट्विस्ट किया है, हम खुद भी खा रहे हैं. सो ट्रस्ट मी योर पर्सोना शुड बी दैट वे दैट यू आर इंस्पायरिंग अदर पीपल एज वेल, ना कि हम उसी में कैरिड अवे हो जो सब कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि नहीं नहीं बहुत बुरा लगेगा उनको, हम उनके घर आए हैं, हाउ कैन आई डिनाई दैट. अगेन ये थोड़े से टैक्टिक्स, ये थोड़े से ट्रिक्स हमें सीखने हैं, एंड ट्रस्ट मी नोबडी विल बी ऑफेंडेड ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, और वो भी आपकी चॉइसेस पिक करने लगेंगे नेक्स्ट टाइम दे विल सर्व यू सच काइंड ऑफ फूड आइटम. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन आप हॉलीडे पे जा रहे हो, सपोज आप छुट्टी पे घूमने गए हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एडिक्वेट वाटर इनटेक लें, यू शुड बी वेल हाइड्रेटेड. बिकॉज क्या होता है ना, हम खा रहे हैं बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड भी कई बार खा रहे होते हैं, बिकॉज एक्सेसिबिलिटी का उतना ऑप्शन नहीं होता, सो यूर लेफ्ट विद वेरी लिटल चॉइसेस, या हाई सोडियम फूड खा रहे हैं. सो क्या होता है, आपको ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है. इट्स नॉट वेट गेन एवरी टाइम, बट वो मेंटली जो आपको ब्लोटिंग हो रही होती है, सो टू गेट रिड ऑफ इट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट द ईजिएस्ट थिंग दैट कम्स टू योर रेस्क्यू विच इज़ वाटर. सो वाटर इनटेक आपका ऑप्टिमम होना चाहिए, यू हैव टू इंश्योर कि आप एडिक्वेटली हाइड्रेटेड हो. तो आप हमेशा देखोगे कि आपको हमेशा हर बार जो भूख लगती रहती है ना, कि मुझे हर टाइम भूख लग रही है, यू डोंट कन्फ्यूज बिटवीन थर्स्ट एंड हंगर, सो यू टेंड टू हैव दैट कन्फ्यूजन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उस चीज़ का आप ध्यान रख रहे हैं. यू विल आइडेंटिफाई योर हंगर पैंग्स, जो हंगर क्यूज आपको मिलते हैं, एंड यू विल नॉट यू विल सी कन्फ्यूज बिटवीन हंगर एंड थर्स्ट. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन आप हॉलीडे सीजन पे बाहर गए हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू आर एक्सरसाइजिंग, यू आर वेल मोटिवेटेड टू डू दैट एक्सरसाइज, बिकॉज हम अपने लिए एक्सक्यूजेस बना लेते हैं कि नहीं अभी तो इन्जॉय करने आए हैं, लेट्स नॉट डू एनी एक्सरसाइज, वो सब चीज़ें हम सोचते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हॉलीडे सीजन से पहले आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करें, इससे दो पर्पसेज सॉल्व होंगे. नंबर वन, आपको देखोगे कि आप जो भी ड्रेसेस अपने लेके जा रहे हो, यू आर एबल टू फिट इन वेयर, यू आर लुकिंग गॉर्जियस एंड द पीपल आर कॉम्प्लीमेंटिंग यू, वाओ यू आर लुकिंग सो लवली एंड सो गॉर्जियस. सेकेंडली क्या होता है कि उस टाइम पे आप कुछ नया अपना रूटीन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी एक्सरसाइजिंग बिफोर गोइंग टू द हॉलीडे, तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ नया स्टार्ट नहीं करना, यू जस्ट हैव टू कंटिन्यू डूइंग इट. सो इट्स मच ईजियर इफ़ यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग न्यू थिंग व्हाइल यू आर ऑन हॉलीडे, यू डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग लाइक दैट कि रेजिमन में हमने इस तरह का कोई चीज़ डाल लिया है. सो कोई होटल्स में जा रहे हैं आजकल, जिम्स भी होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, एम्यूनिटीज होती हैं, सो टेक एडवांटेज ऑफ दैट राइट. सो ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपका वो रूटीन बहुत ईजिली बन जाएगा, एंड यू नॉट फाइंड एक्सक्यूजेज नॉट टू डू दैट. एंड क्या होता है कि आप थोड़ा सा कुछ खा भी रहे हो, यू कैन गेट अवे विद ऑल ऑफ दैट बिकॉज यू आर एक्सरसाइजिंग वेल, यू आर हैविंग दैट एक्सरसाइज रूटीन कि आप वॉक कर रहे हो, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, स्ट्रेचिंग कर रहे हो. सो ऑफ कोर्स यू कैन गेट अवे विद लिटिल बिट ऑफ चीट यू आर हैविंग व्हाइल यू आर गोइंग फॉर अ हॉलीडे सीजन. देन नेक्स्ट चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि आपने अपने बिल्स बैलेंस आउट करने हैं व्हेन यू गोइंग आउट फॉर अ हॉलीडे. नॉट नेसेसरली कि आप बिल्कुल ही कुछ नहीं खा रहे हो, यू बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ ईटिंग एनीथिंग, यू आर टू कॉन्शियस अबाउट योर सेल्फ, लेकिन आपको ये सोचना है कि जो भी आप खा रहे हो यू हैव टू ईट इट गिल्ट फ्री, बट द चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग फॉर फूड शुड बी वाइज इनफ. बट जो आप खा रहे हो व्हेन इट इज सर्व्ड इन योर प्लेट, जस्ट इंश्योर यू ईटिंग गिल्ट फ्री. अगर उस टाइम पे हम कैलोरीज के बारे में सोचते रहेंगे, वेट गेन के बारे में सोचते रहेंगे, सो यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय योर हॉलीडे सीजन. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वेरी वेरी यूजफुल, और आप नेक्स्ट टाइम हॉलीडे के लिए जा रहे हो या कोई डिनर के लिए जा रहे हो, यू विल बी वेरी वॉचफुल ऑफ दीज पॉइंट्स, ताकि आपको ऑटोमेटिकली वेट गेन ना हो पाए एंड यू कैन टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.